हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास एट का एनसीईआरटी किताब का चैप्टर फाइव देखेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ के यहाँ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। कोल यानी कि कोयला, कि जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर डेड प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि कोल वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस हम जानते हैं कि इसमें हज़ारों लाखों साल लग जाता है। कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन क्या है? एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और जो प्रोसेस होता है कोयला बनने का, कि जिसमें जो मतलब कोल में मेनली कार्बन होता है, और मतलब जो डेड वेजिटेशन होते हैं, जब पेड़ पौधे मर जाते हैं और मतलब ज़मीन में दब जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कार्बनाइजेशन कहते हैं। कोक क्या है? इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत ही मतलब हार्ड होता है और इसमें बहुत सारे पोर्स भी होते हैं और एक ये काला होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का प्योर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और किसी भी मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन में। मेटल्स को हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब हम कोक का यूज़ करते हैं। कोल तार क्या होता है? इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक तरह का मतलब काला गाढ़ा लिक्विड होता है, जिससे कि बहुत अच्छा स्मेल, बहुत ख़राब स्मेल आता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये इसमें 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज इन सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे सिंथेटिक जो बाल वगैरह डाई करने में जो कलर यूज़ होता है वो सब में यूज़ होता है, दवा वगैरह में यूज़ होता है, और बम बारूद वगैरह में, और फिर परफ्यूम वगैरह जो हम लोग लगाते हैं उसमें, प्लास्टिक्स वगैरह में जो हम लोग घर में पेंट करते हैं वो सब में भी, और जो छत, जैसे जब घर का ढलाई होता है तो छत जो बनता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। कोल तार का बहुत सारे इसके यूजेस हैं। नेप्थेलिन बॉल्स आर मेड बाय कोल तार। नेप्थेलिन बॉल जो होते हैं वो कोल तार से बने होते हैं। हम लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये एकदम काला और चिपचिपा गाढ़ा सब्सटेंस से नेप्थेलिन बॉल्स, जो कि कितने मतलब उसमें उसका स्मेल अच्छा होता है और कितना वाइट होता है, कोल तार से बनता है वो भी। विटामिन क्या है? दिस डेज विटामिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटनिंग ऑफ द गोड्स। विटामिन जो होता है वो आजकल मतलब एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, और इस मतलब ये आजकल ये कोल तार की जगह में यूज़ हो रहा है। इसका जगह विटामिन का कहाँ होता है? जब गोड वगैरह बनता है तो उसमें इसका लेयर, गोड वगैरह बनाने में विटामिन का यूज़ होता है आजकल। कोल गैस, कोल गैस क्या है? कोयला तो हम लोग जानते ही है, लेकिन ये इस गैस के फॉर्म में भी होता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम लोग कोल से कोक बनाते हैं तो उस प्रोसेस में कोल गैस निकलता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज में इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कोल गैस का यूज कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइटिंग में सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था ये लंदन में 1810 ईस्वी में। नाउ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब इसको आजकल क्या हो रहा है कि इसका यूज़ हीट प्रोड्यूस करने में हो रहा है, सोर्स ऑफ हीट के रूप में, ना कि लाइट के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनसे बनता है ये। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जो मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट ऑयल वेल था, कुआं था ऑयल का, इसको कहाँ ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में है, 1859 में। एट ईयर्स लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकूम इन असम। इसके 8 साल बाद 1867 में क्या हुआ था कि वहाँ ये असम में एक जगह है मकूम, वहाँ पे इस तरह का पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था, पाया गया था यहाँ पेट्रोलियम। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है?
पेट्रोलियम, ये आप लोग याद कर लीजिए, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और गोदावरी और कृष्णा नदी का जो रिवर बेसिन है वहाँ पे। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोलियम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हम लोग को पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम लोग देखते हैं। दीज आर यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ फाइबर, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रैलिक, डिटर्जेंट्स, पॉलीथीन। इसका यूज़ होता है फाइबर्स वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट में और पॉलीथीन बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। हाइड्रोजन गैस जो कि मतलब नेचुरल गैस जब निकलता है पेट्रोलियम से तो उस टाइम हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, और इस हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने में। नेटवर्क ऑफ सीएनजी पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, दिल्ली, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा। सीएनजी पाइप्स हम लोग इन सब सीएनजी गैस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका पाइपलाइन कहाँ कहाँ पे है आप लोग इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। वडोदरा, दिल्ली, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जो सीटेट की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका क्लास 8 का पूरा कंप्लीट हो सके चैप्टर वाइज एनसीईआरटी नोट्स। थैंक यू।